हाय फिर मैं हूँ चंदन। आप देख रहे हो चंदन कोर्ट्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पोजीशन को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि पोजीशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होता है जो सीएसएस में बहुत टाइम यूज़ होता है। जब भी हम बहुत ही बड़ी बड़ी वेबसाइट में काम करने वाले हैं, जो भी वेबसाइट में हम काम करेंगे डिज़ाइन के लिए, तब भी हम पोजीशन को बहुत टाइम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो देखते हैं कैसे हम पोजीशन को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो भी एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट को सही से अरेंज करने के लिए, सही से स्टाइल करने के लिए और सही से अलाइनमेंट करने के लिए हमें पोजीशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट देने वाला है, बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाला है। ओके, तो शुरू करने के पहले एक बात बता देता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आप तक पहुंच जाए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर बहुत जोर से एक हिट कर दो, ताकि गूगल कंपनी को भी पता चले किसने हिट किया है। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे पोजीशन को हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं पोजीशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने हमारा जो भी डिज़ाइन का फोल्डर रहा है, उस फोल्डर में हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल एंड स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल को क्रिएट कर लिया। उस जो स्टाइल डॉट एचटीएमएल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल इस फाइल को ओपन कर लेते हमारा ब्राउज़र पे। ओके, और यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ लॉरेम को लिया है। आप देख सकते हो इस फोल्डर को हमने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लिया। ओके, तो यहाँ पे हमने पहले एक पैराग्राफ लिया है, उस पैराग्राफ में हमने लॉरेम को सेट किया है, और उसके बाद एक डीप लिया है, डीप का हमने क्लास दिया है बॉक्स वन। ओके, तो ये जो बॉक्स वन है, इस बॉक्स वन को अभी हम पोजीशन देंगे। ओके, तो इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं डॉट बॉक्स वन करके, जो क्लास का सिलेक्टर होता है। उसके बाद हम देखेंगे जो पोजीशन कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो पहला हमारा जो पोजीशन है वो हम देखते हैं फिक्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो फिक्स को यूज़ करने के लिए पहले हमें स्क्रॉलिंग करना होगा। अब दिखाना चाहूँगा जो स्क्रॉलिंग आपके यहाँ पे, पहले कुछ लॉरेम को ले लेते। ओके, ताकि हमारा पेज वो स्क्रॉल हो। ओके, अब देख सकते हो यहाँ पे हमारा बहुत सारी लॉरेम हमने ले लिया, टेक्स्ट ले लिया। जहाँ पे हमारा रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो पेज है वो स्क्रॉल हो रहा है। ओके, तो हमारा अगर आप देख सकते हो बहुत टाइम हमने बहुत वेबसाइट में देखा है, यहाँ पे जो कोने पे आप कर्सर को फॉलो करिए, यहाँ पे जो कोने हैं राइट साइड में जो डाउन पे कोने हैं, इसको कर्नर पे एक बटन रहता है, व्हाट्सएप का बटन रहता है, मैसेज का बटन रहता है, कॉल का बटन रहता है, या सपोर्ट का बटन रहता है, जिस बटन से क्लिक करने में हम सपोर्ट ले सकते हैं या कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो ये जो बटन है वो बटन कैसे काम करता है, ये बटन जब भी हम स्क्रॉल करते वो वहाँ पे ही रहता है, वो जो कोने है इस कॉर्नर पे ही रहता है, वो स्क्रॉल नहीं होता है। ओके, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम जो पोजीशन है पोजीशन फिक्स को फिक्स जो पोजीशन है उस फिक्स पोजीशन के मदद से हम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिक्स पोजीशन को हम ले लेते, यहाँ पे जो डीप है इस डीप को हम ले लेते, यहाँ पे कहीं पे भी रख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें हम जो बॉक्स वन का जो क्लास लिया है, इस बॉक्स वन क्लास को हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ले लिया सिलेक्ट करके। तो इसके अंदर अभी हम एक डिज़ाइन करेंगे, पहले तो बैकग्राउंड कलर देंगे ताकि आपको पता भी चले कहाँ पे जा रहा है। ओके, रेड कलर का बैकग्राउंड ले लिया, उसके बाद इसका हाइट एंड विड्थ सेट करना पड़ेगा, ताकि कितना बड़ा या छोटा होना चाहिए ये भी हमें देना पड़ेगा। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 60 पिक्सल विड्थ एंड हाइट, सॉरी यहाँ पे हाइट 60 पिक्सल कर देते। ओके, एंड बॉर्डर रेडियस, ताकि सर्कल पे देखना चाहिए, बॉर्डर रेडियस हम 50 पिक्सल कर देते हैं, 50% होगा, 50% कर देते ताकि आपको देखने भी लगे एक क्या हो रहा है। ओके, आप यहाँ पे अभी देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे हमने सेव बॉक्स वन, यहाँ पे रेड कलर एंड 60 पिक्सल, सॉरी यहाँ पे पिक्सल देना होगा, px पिक्सल। अभी आप देख सकते हो हमारा जो बटन, मतलब जो सर्कल है वो आ गया। ओके,
तो अभी हमें ए जो सर्कल है यहाँ पे देखना चाहिए, और स्क्रॉल करेंगे तो भी यहाँ पे रहना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो अभी ये ऊपर जा रहा है, स्क्रॉल जब भी करेंगे वो ऊपर जा रहा है। तो अगर हमें चाहिए स्क्रॉल करेंगे तब भी ये यहाँ पे ही रहेगा। ओके, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम पोजिशन फिक्स को ले सकते हैं। पोजिशन फिक्स, फिक्स से आपको पता चल रहा है, फिक्स मतलब जहाँ पे होगा वहीं पे रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम पहले तो बॉटम दे देंगे, बॉटम पे हमें 10 पिक्सल एंड राइट से मतलब जो राइट साइड होगा उस राइट से हमें कितना मिलेगा, 10 पिक्सल का एक स्पेस मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉटम का पोजीशन होगा। ओके, मतलब बॉटम से मतलब नीचे से हमें 10 पिक्सल का एक स्पेस मिलेगा एंड राइट साइड से हमें 10 पिक्सल का एक स्पेस मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉटम रहेगा कहाँ पे, हमारा कोने पे। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो अभी कोने पे आ गए, अभी हम जब भी स्क्रॉल करेंगे वो उसी जगह पे ही रहेगा। ओके, वो वहाँ से नहीं हटेगा, आप देख सकते हो हम जब भी स्क्रॉल करेंगे वो वहाँ पे ही रहेगा। ओके, तो ऐसे करके हम फिक्स पोजीशन को ले सकते। ओके, तो अभी हम देखेंगे जो स्टिकी जो पोजीशन होता है वो कैसे हम कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए। आप बहुत टाइम देखा होगा जो जितने सारी बहुत सारी वेबसाइट में क्या होता है, जब भी हम स्क्रॉल करते तभी क्या होता, कुछ ही देर बाद में मतलब जो स्क्रॉल करने के बाद कुछ ही देर बाद में एक एलिमेंट रहता है यहाँ पे बीच में कोई से भी कहीं भी एक एलिमेंट रहता है, उस एलिमेंट क्या होता है, जब भी स्क्रॉल करेंगे वो कुछ ही देर बाद में जाकर एक ही जगह पे रुक जाता है। ओके, तो उसको करने के लिए हम क्या क्या करना होगा, जो पोजीशन स्टिकी होता है उसको इस्तेमाल कर सकते। ओके, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसको पहले हम यहाँ पे कुछ ले लेते हैं ताकि हमें स्क्रॉल भी पता चले ये सही रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम अभी के लिए इस पोजीशन को यहाँ पे हम 100 व्यू पोर्ट विच कर देते और यहाँ पे 100 पिक्सल कर देते। ओके, एंड बॉर्डर रिड्यूस को हम रिमूव कर देते। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा डिब है मतलब बॉक्स 1 है ये यहाँ पे रहा है। ओके, तो अभी हम चाहते क्या है, यहाँ पे जब भी हम स्क्रॉल करेंगे जो बॉर्डर है सॉरी बॉर्डर नहीं ये जो डिब है ये डिब यहाँ से यहाँ तक आने पे ये रुक जाए, उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ही रहेगा। ओके, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको करने के लिए जो पोजीशन है उस पोजीशन में हम स्टिकी ले लेंगे, स्टिकी को इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद टॉप है टॉप में क्या करेंगे, टॉप में 0 कर देंगे ताकि जब भी हमारा जो भी हमारा जो बॉक्स रहेगा वो बॉक्स 0 पे जब भी आएगा मतलब जो बॉडी है उस बॉडी में 0 पे जब भी आएगा तब भी क्या होगा वो रुक जाएगा, वहाँ से कहीं नहीं हटेगा। ओके, तब यहाँ पे देख सकते हो अभी जब भी हम स्क्रॉल करेंगे वो जाएगा और उसके बाद स्क्रॉल होता जाएगा लेकिन वहाँ से नहीं हटेगा। ओके, मतलब बॉडी से जो 0 पिक्सल 0 में आएगा 0 के बाद में वो रिमूव नहीं होगा यहाँ पे रुक जाएगा। ओके, तो ऐसे करके हम जो भी नेबर होता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं नेबर के लिए या बहुत सारी एलिमेंट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो एक ही जगह पे रह जाए स्क्रॉलिंग टाइम पे वो एक ही जगह पे रुक जाए एक टाइम जाकर वो एक ही जगह पे रुक जाए। ओके, और फिक्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो एक ही जगह पे रुके रहे जब तक हम स्क्रॉल करते रहे। ओके, तो अभी हमें देखना है हम पोजीशन में और एक वैल्यू आता है जिसका नाम है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एंड स्टैटिक। बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन होता है किसी भी एलिमेंट का बाय डिफॉल्ट पोजीशन रहता है स्टैटिक। ओके, तो स्टैटिक को हम छोड़ देते हैं अभी के लिए क्योंकि स्टैटिक उतना ज़रूरत नहीं, फिर भी ज़रूरत होता है कभी कभी लेकिन स्टैटिक उतना भी ज़रूरत नहीं होता है। तो स्टैटिक क्या है, जो हर एक एलिमेंट ये जो आप एलिमेंट देख रहे हो अभी के लिए जो पैराग्राफ हमने लिया वो स्टैटिक में ही है, जो जिस जगह पे है उसी जगह पे रहेगा, वो स्क्रॉलिंग होने के टाइम पे वो स्क्रॉलिंग होता जाएगा। ओके, तो स्टैटिक ऐसी होता है लेकिन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वो क्या होता है तो देखते हैं। ओके, जो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अगर बॉक्स 1 है तो ये बॉक्स 1 का अगर हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया आप यहाँ पे देख सकते हो
यहाँ पे अगर हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया, यहाँ पे टॉप को हम कमेंट आउट कर देते हैं अभी के लिए, पोजीशन अगर एब्सोल्यूट दे देते हैं तो यहाँ पे और एक बात पिक्सल कर देते हैं, ओके विथ को हम 100 पिक्सल कर देते हैं यहाँ पे। तो अगर हम रिफ्रेश करते तो यहाँ पे जो भी हमारा एब्सोल्यूट का जो भी बॉक्स है, ये बॉक्स का ओवरलैप हो रहा है, मतलब जो भी एलिमेंट पीछे पे रहा है और उसके ऊपर आ रहा है, तो इसका जो जेड इंडेक्स रहता है वो ऑटोमेटिकली हाई होता है, ओके तो इसके साथ ही हो जाएगा स्क्रॉल होकर, मतलब जो भी एलिमेंट के साथ ये रहा है वो एलिमेंट के साथ स्क्रॉल होता जाएगा लेकिन उसी एलिमेंट के ऊपर रहेगा, ओके तो इसके पीछे पे एलिमेंट जो भी एलिमेंट होगा, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे इंडेक्स में इसके साथ साथ बहुत सारे एलिमेंट लिया, पैराग्राफ एलिमेंट लिया, तो इसके जो बॉक्स वन का जो डिप है, इस बॉक्स वन का जो डिप के पीछे पे ये चला आ रहा है, ओके मतलब इसके बीच में भी आ चुका है तो ये ओवरलैप हो रहा है, ओके ओवरफ्लो हो रहा है। तो अगर हम इसके ऊपर क्या करते, यहाँ पे अगर रिलेटिव ले लेते, आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम रिलेटिव ले लेते तो क्या होगा, रिलेटिव लेने से ये जो बॉक्स होगा ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है ये ब्लॉक को ले लेगा, मतलब यहाँ से ये पूरा का पूरा स्क्रीन का जो ब्लॉक है, ये पूरा का पूरा स्क्रीन का ब्लॉक है अकेला ले लेगा, ओके मतलब ये जगह है, ये जगह सिर्फ और सिर्फ ये बॉक्स के लिए, इसी जगह पे कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता है, ओके लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट यूज़ करते तो इसी जगह पे दूसरा एलिमेंट भी आ सकता है एब्सोल्यूट को ऊपर लेकर, ओके एब्सोल्यूट को ऊपर लेकर ये एलिमेंट यहाँ से यहाँ पे घुस सकता है, ओके तो अगर हम यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 300 ले लेते, 300 एंड यहाँ पे रिलेटिव एंड इसके अंदर और एक हम डिप ले लेते, उस डिप का क्लास हम दे देते बॉक्स टू, ओके और यहाँ पे बॉक्स टू का एक डिजाइन भी देना पड़ेगा हमें ताकि देखने भी मिले, ओके और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते डिजाइन के लिए, ब्लू ओके और यहाँ पे 100 कर देते अभी के लिए 100 पिक्सल। अब देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो दूसरा बॉक्स वन का जो एलिमेंट है वो भी आ चुका है, जो ब्लू कलर का एलिमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्स टू का जो एलिमेंट है, यहाँ पे हमने बॉक्स टू का एक एलिमेंट लिया बॉक्स वन के अंदर, इस बॉक्स टू का जो एलिमेंट है उसका हमने बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर का एक एलिमेंट आ चुका है, ओके तो ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट का जो पोजीशन रहेगा वो क्या रहेगा, पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगा, क्योंकि हम कैसे एब्सोल्यूट को यूज कर सकते हो आप देख सकते हो डिटेल में, एब्सोल्यूट को हम जब भी यूज करेंगे तभी क्या होगा, इसका जो टॉप अगर हम सॉरी टॉप नहीं एक काम करते बॉटम ले लेते, बॉटम 10 पिक्सल एंड राइट 10 पिक्सल, ओके तो इसका इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो बॉक्स टू है ये बॉक्स टू का जो पोजीशन रहेगा ये बॉक्स वन के अकॉर्डिंग रहेगा, मतलब बॉक्स वन के अकॉर्डिंग ये अपना पोजीशन लेता रहेगा, मतलब जो बॉक्स वन रहेगा जो रेड कलर का बॉक्स है ये बॉक्स वन का जो पोजीशन और रिलेटिव हमने दिया है, ओके तो इस रिलेटिव के अकॉर्डिंग ये एब्सोल्यूट अपना पोजीशन किसके अंदर लेगा, ये रेड कलर का जो बॉक्स है इसके अंदर लेगा, ओके तो जब भी हम बॉक्स ऑन के अंदर सॉरी बॉक्स टू के अंदर कोई भी पोजिशनिंग का जो भी प्रॉपर्टीज हमने टॉप बॉटम एंड राइट से लिखेंगे तो अपना पोजिशन बॉक्स वन के अकॉर्डिंग वो अपना पोजीशन लेता रहेगा, ओके तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम बॉक्स वन का जो पोजीशन वो पोजीशन अगर हमने रिलेटिव कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हमने रिलेटिव कर दिया तो क्या होगा, वो ऊपर चला जाएगा, मतलब आप क्यों ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने रिलेटिव कर दिया इसका पोजीशन, फिर भी
इसका रिलेटिव पोजीशन कर दिया, इसका बॉटम 10 पिक्सल एंड राइट 10 पिक्सल, तो ये यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन ये यह ऊपर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका जो रिलेटिव एलिमेंट क्या है, इसका रिलेटिव एलिमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका रिलेटिव एलिमेंट ये जो पैराग्राफ पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ का जो पोजीशन है, इसका पोजीशन के अकॉर्डिंग ये बॉक्स टू पोजीशन ले रहा है, क्योंकि इसका जो पोजीशन है ये स्टैटिक है, स्टैटिक है, तो इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग ये बॉक्स टू ले रहा है, तो इसको एब्सोल्यूट मानकर ये जो पैराग्राफ है इसको एब्सोल्यूट मानकर ये अपना पोजीशन ले रहा है, ओके, या रिलेटिव ये रिलेटिव अपना पोजीशन को एब्सोल्यूट मानकर ये यहाँ पे चल रहा है, ओके। तो ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो बॉक्स रेड है ये क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि इसका पोजीशन हमने रिलेटिव कर दिया, तो इसका रिलेटिव मतलब यहाँ पे स्टैटिक के अकॉर्डिंग अपना पोजीशन लेता रहेगा, ओके। तो जब भी हम पोजीशन को यूज़ करेंगे, यहाँ पे पोजीशन का यूज़ बहुत सारी टाइम होता है, यहाँ पे जो फिक्स का जो पोजीशन वो यूज़ कर सकते हैं हमने बटन के ऊपर, यहाँ पे जो कोने पे बटन है बहुत टाइम यूज़ होने वाला है, और यहाँ पे स्टिकी जब हम स्क्रॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल टाइम पे वो एक ही जगह पे आकर, एक जगह पे स्टैटिक एक जगह पे आकर और रुक जाएगा, इसलिए हम स्टैटिक स्टिकी को यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, और रिलेटिव को हम किसी भी एलिमेंट के साथ अगर कोऑर्डिनेट करके अगर हमें पोजीशन को सेट करना है तो तब भी हम पोजीशन रिलेटिव को यूज़ कर सकते हो, ओके। तो इसी वीडियो में इतना तक, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो पे, और इतना इस वीडियो का जितना सारी सोर्स कोड होगा वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम।